क्या आपको पता है कर्नाटक में क्या चल रहा है? कर्नाटक स्टेट इलेक्शंस 2023। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कर्नाटक इलेक्शंस 2023? इफ नॉट देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल देन। अब तक हमारा डबल इंजन सरकार था, अब क्या होगा? तो कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में। देयर आर टोटल 224 सीट्स, उसमें से 173 जनरल, 36 एससी और 15 एसटी के लिए रिजर्व किए गए। चलो जानते हैं कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार कैसे बनी। एज वी ऑल नो, हर 5 साल में एक बार असेंबली इलेक्शंस होते हैं। पिछला इलेक्शन 2018 में हुआ था, जिसमें बीजेपी के 104 सीट्स, जेडीएस के 37 सीट्स और कांग्रेस के 80 सीट्स और दो अन्य सीट्स। इस हिसाब से बीजेपी बहुमत में थी और उनकी सरकार बननी चाहिए थी। जिस तरह बीजेपी ने अन्य राज्यों में गठबंधन सरकार बनाई है, उसी फॉर्मूला को यूज करके जेडीएस और कांग्रेस ने कर्नाटक में खुद की सरकार बनाई और जेडीएस के लीडर एचडी कुमारस्वामी को सीएम घोषित किया। जो ये गठबंधन सरकार थी वो 13 महीनों के लिए चली। 2019 में कुछ ऐसे भी एमएलए थे जिनको ये गठबंधन सरकार पसंद नहीं आई, वो वहां से रेजिग्नेशन दे के बीजेपी ज्वाइन की और यहाँ से बीजेपी की बहुमत सरकार और कर्नाटक की डबल इंजन सरकार बनी। 2019 में जो बीजेपी की रही सरकार बनी उसके सीएम बीएस येडियुरप्पा जी थे। चलो जानते हैं कि कर्नाटक का वोटिंग पॉपुलेशन कितना है। कर्नाटक में 6.2 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 5.2 करोड़ लोग वोटर्स है, उसमें से 2.62 करोड़ मेल वोटर्स है और 2.59 करोड़ फीमेल वोटर्स है और इसमें 4700 थर्ड जेंडर वोटर्स है और इस साल 9 लाख वोटर्स नए जुड़ रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा सारे मिनिस्टर्स गवर्नमेंट कार छोड़कर अपने प्राइवेट कार में घूम रहे हैं, क्या आप जानते हो ऐसे क्यों हो रहा है? उसके अलावा आपने देखा होगा पूरे गलियों में पॉलिटिशियंस के होर्डिंग्स निकाले जा रहे हैं, क्या आप जानते हो ऐसे क्यों हो रहा है? ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये आचार संहिता है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। चलो जानते हैं क्या है ये कोड ऑफ कंडक्ट, कब से लागू होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नियम है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जाते हैं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो सके। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 45 डेज का टाइम पीरियड रहता है। जिस दिन ये डेट डिक्लेयर होते हैं तब से लेकर रिजल्ट के दिन तक कोड ऑफ कंडक्ट बना रहता है। चलो जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के नियम। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जिससे किसी भी धर्म या जाति का भेदभाव हो। किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद या चर्च को इलेक्शन प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोई भी पार्टी या पार्टी मेंबर भ्रष्ट तरीके से वोटर्स को बहला नहीं सकता है और अगर ऐसा हो तो इलेक्शन कमीशन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसे या किसी अन्य लेन देन करके वोटर्स को आकर्षित नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति पर आप गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। इलेक्शन के दिन वातावरण में शांति बना के रखना चाहिए, कोई अहिंसा ना हो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वोटिंग डे के 48 आवर्स पहले ड्राई डे घोषित किया जाता है। जिस किसी भी पार्टी को आप वोट कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। So here are some important dates that you need to know about Karnataka state elections 2023. 29 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन इज 20th April। डेट ऑफ स्क्रूटनी और लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन इज ऑन 21st April। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स इज ऑन 24th April। डेट ऑफ पोलिंग इज ऑन 10th May एंड द एग्जिट पोल इज ऑन 13th May। दोस्तों सोच विचार करके अपना वोट दीजिए, किसी भी बहकावे में मत आइए। राइट वोट फॉर राइट पर्सन। वो कोई भी उम्मीदवार पर काबिल और योग्य नहीं लगता है तो आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट करना आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने जैसा इस वीडियो में देखा है, दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्शंस, योर राइट्स एंड टू नो अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।